Let's do question number 3 of exercise 21B, that is concept of perimeter and area. Question number 3 is find the radius of a circle. Hame radius nikalna hai, whose circumference is 176 cm. Dekhiye, isme hame circle ka circumference de rakha hai aur hame radius nikalna hai, right? To circumference kitna de rakha hai circle ka? Circumference ऑफ सर्कल दे रखा है 176 सेंटीमीटर और रेडियस निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द रेडियस बी, रेडियस बी आर सेंटीमीटर. आर मान लिया इसे तो ये हमने आर लिख दिया है यहाँ पे. अब कैसे निकालेंगे, देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि होता था 2πr. अब सर्कमफ्रेंस दे रखा है 176, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है और रेडियस को हमने r माना. तो अब देखिए यहां पे वेरिएबल तो रह जाएगा लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज इधर और उधर आ जाएंगी. जो डिवाइड में थी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी और जो मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में आ जाएगी. तो देखिए 176 इंटू 7, 7 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया और 2 और 22 डिवाइड में आ गया इक्वल्स टू आर. आप आर इक्वल्स टू करके भी लिख सकते थे, राइट. अब देखिए 11 टूज 22, 11 ones 11, 11 sixes 66, 2 ones 2, 2 8 16, 2 ones 2, 2 fours 8. में थी सारी वैल्यूज तो इसलिए रेडियस कितना आ गया 28 सेंटीमीटर इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 21B, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया. मैं सारे क्वेश्चंस इससे पहले एक्सरसाइज के सारे अपलोड कर चुकी हूँ. प्लीज़ उसको मेरी साइट www.elearnmaths.in पे ज़रूर देखें. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील. हमें व्हील का, व्हील हमारा सर्कल की फॉर्म में होता है, उसका डायमीटर निकालना है. Whose circumference is 264 cm, जिसका circumference 264 cm है. तो देखिए व्हील हमारा सर्कल की फॉर्म में होता है और उसका हमें डायमीटर निकालना है, राइट. तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील दे रखा है, दैट इज 264 cm, राइट. अब हमें डायमीटर निकालना है तो लेट कर लेते हैं. लेट द डायमीटर बी डी सेंटीमीटर, राइट. अब क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट क्वेश्चंस देखे हो तो मैंने आपको दो फॉर्मूले से डायमीटर निकालना सिखाया था. आप कोई से भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने डायमीटर के साथ पाई डी भी पढ़ा था. तो सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 264, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है और डी को हमने डी ही माना है डायमीटर को. तो अब देखिए वेरिएबल अपनी जगह कांस्टेंट में जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया. अब 11 2s are 22, 11 2s are 22, 11 4s are 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 2s are 4. तो डायमीटर कितना आ गया 12 into 7, दैट इज 12 sevens is 84 cm. हमारा डायमीटर आ गया. अब दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, देखिए डायमीटर को हमने डी माना था और रेडियस, डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस. अब रेडियस कैसे निकलेगा यहां से, डायमीटर का में डिवाइड में चला जाएगा, देखिए यहां आ गया. अब हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और या दूसरा मेथड बता रही हूं, 2πr होता है, राइट. अब हमारा देखिए सर्कमफ्रेंस 264 दे रखा है तो 264 equals to 2 into 22/7 into r की जगह d upon 2 लिख देंगे क्योंकि डायमीटर यही रहा, 2 नीचे आ गया, r अपनी जगह रहा, राइट. ये लिख दिया रेडियस इक्वल्स टू डी अपॉन टू लिखा है, राइट. अब देखिए वेरिएबल तो अपनी जगह रहा
और कांस्टेंट जो दूसरी साइड चले गए, जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में चले गए हैं, और जो डिवाइड में थे वो मल्टीप्लाई में आ गए हैं। देखिए ये दोनों ऊपर चले गए और ये दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 टू जा 11 टू जा एंड 11 फोर जा 2 वन जा 2 टू 12 जा 24। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 7 दैट इज 84 सेंटीमीटर, सेम आ गया। तो आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, दिस इज द आंसर।